हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके सामने 11th क्लास का वीडियो नंबर 10 लेकर आया हूं। आई होप आपको पहले का वीडियोस, जो वीडियोस हम नो वीडियोस 1 to 9 वीडियोस में 11th क्लास का अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। टॉपिक चल रहा है हमारा बेसिक टर्म्स का, तो वेलकम है फिर से आपका एक बार। तो सबसे पहले हम क्या आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। अकाउंटिंग पीरियड एक रियलिटी में एक प्रिंसिपल है। वैसे इससे पहले मैं आपको एक प्रिंसिपल ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक प्रिंसिपल मैंने वीडियो नंबर 4 में आपको समझाया है, दैट इज द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आज जो प्रिंसिपल मैं आपको बातों बातों में समझाने जा रहा हूँ वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बहुत इजी प्रिंसिपल है। देखो, सिंपल सी बात होती है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमको ये टारगेट लेके चलना होता है कि देखो बिजनेस तो हमारा बहुत लंबे समय तक चलने ही वाला है। तो किसी भी बिजनेस की रियलिटी की जो पोजीशन होती है ना, जो हमको जानना होता है कि वो बिजनेस हमारा अच्छा चला या बुरा चला, हमने प्रॉफिट कमाया, नाम कमाया कि नहीं कमाया, ये तभी पता लग पाती है जब हम उस बिजनेस को बेचते हैं, सेल करते हैं। पर रियलिटी में क्या होता है, बिजनेस काफी लंबे समय तक चलता ही है और हम ये मानकर चलते ही हैं कि बिजनेस हम काफी लंबे समय तक चलाने वाले हैं। तो हम हर साल हम क्या जानना चाहते हैं, प्रॉफिट जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट जानने के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग इस बात पे इंटरेस्ट रखते हैं। बिजनेस का मालिक, इम्प्लॉइज, पैसा लगाने वाले लोग, इन उन लोगों को इस बात में इंटरेस्ट होता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम बिजनेस को क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हर एक टाइम पीरियड के बाद हम क्या जान पाए कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पीरियड को हम यूजली 12 महीने का लेकर चलते हैं। बिजनेस के अकॉर्डिंग, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो हम टाइम पीरियड लेके चलते हैं, हम 12 महीने का लेकर चलते हैं। यूजली आपने इंडिया में देखा होगा, इंडिया में लोग पहले क्या करते थे कि जब भी दिवाली आती थी, दिवाली के टाइम पर अपनी बुक्स चेंज कर लेते थे। कौन सी बुक्स? अकाउंटिंग वाली बुक्स। पुरानी वाली खाता वही छोड़ देते थे और नई खाता वही को स्टार्ट करते थे। तो इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड आप कौन सा फॉलो कर सकते हो? 1 जनवरी को आप अपने अकाउंट शुरू कर सकते हो और 31 दिसंबर को आप अपने अकाउंट्स को पूरा करके ये जान सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या यूजली बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन चलता है, जो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको भी फॉलो करना है, आगे अकाउंट्स के अंदर मानकर चलना है, समझ के चलना है, वो हमको फॉलो करना होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। मतलब हम 1 अप्रैल को अपना बिजनेस की नई बुक्स प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स हमारे ओपन करते हैं, 31 मार्च जो हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा उसके अंदर हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, और 31 मार्च को ही हम को एग्जैक्टली हमको पता लग पाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो डेफिनेटली ये अकाउंटिंग पीरियड एक प्रिंसिपल है जो हमको ये कहता है कि हमको अपना अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का रखना है। तो डेफिनेटली आप एक अगर स्टूडेंट के सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं और स्टूडेंट भी अकाउंट्स के ही है, तो हमको क्या मानकर चलना है कि हमको अपना अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही लेकर चलना है। फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टॉक। स्टॉक की टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमेशा मैंने बच्चों को देखा है कि स्टॉक और इन्वेंट्री, ये दोनों टॉपिक में थोड़ा उनको कंफ्यूजन रहती है। अगर मैं इन दोनों टॉपिक का पहले मैं आपको कंपैरिजन कर दूं कि स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है, तो स्टॉक का टॉपिक इन्वेंट्री के मुकाबले में बहुत छोटा है। जो इन्वेंट्री टॉपिक है, इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक को भी रियलिटी में इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए हम पहले स्टॉक के बारे में देख लेते हैं, स्टॉक किसको बोलते हैं। स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर परचेज फॉर द रीसेलिंग एंड द व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये एपी इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड, मैंने शॉर्टकट लिखा है। तो सिंपल सी बात देखो यहां पे क्या लिखी हुई है, उन गुड्स की वैल्यू जो हमने खरीदी है, किस लिए खरीदी है, दोबारा बेचने के लिए, और वो चीजें अभी भी अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट टाइम पर, मतलब हमारा अकाउंट क्लोज होने वाला है, 31 मार्च की डेट आ गई है, उस डेट को भी हमारे पास वो गुड्स बची हुई है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये वो गुड्स हैं जो हमने खरीदी थी, बस खरीदी है, उसको हमने बेचना था, तो वो वस्तुएं आज भी अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने की डेट पर हमारी स्टॉक में पड़ी हुई है, गोडाउन में रखी हुई है, उसको हम स्टॉक काउंट करके चलते हैं। अब बात आती है जी कि स्टॉक दो टाइप का होता है, पहला होता है ओपनिंग स्टॉक, फिर दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक
मान लो आपका एक बिजनेस पिछले 10 साल से चलता आ रहा है, आप पिछले पिछले 10 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या हर साल बिल्कुल सब कुछ बिक जाता हो, गोडाउन में कुछ भी ना बचता हो? तो हमारा कभी कभी स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहता है जिसको आपको अगले साल फिर से बेचना पड़ता है, नेक्स्ट डेट पे बेचना पड़ता है। तो क्या हुआ ना, 1 अप्रैल आपका मान लो पिछले 5 साल से 10 साल से बिजनेस चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 को हमने अपना बिजनेस शुरू किया फिर से। हमने क्या देखा कि हमारे पास पहले से ही पीछे से 5,000 क्वांटिटी गुड्स की, कोई भी लगा लो, मोबाइल का मान लो बिजनेस करते हो, मान लो 5,000 मोबाइल आपके गोडाउन में अभी भी रखे हैं, आपने नया साल स्टार्ट किया, 5,000 मोबाइल आज भी आपके गोडाउन में मान लो रखे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्यों बोला, क्योंकि पीछे से बिजनेस कंटिन्यू होता आ रहा था, पिछले वाले साल में भी आपने अकाउंट कब क्लोज किए होंगे, आपने 31 मार्च 2020 को अपना अकाउंट क्लोज किया होगा, देखा होगा कि आपके पास 5,000 मोबाइल ऑलरेडी पड़े हुए थे, 5,000 मोबाइल 31 मार्च 2020 को, इसी 31 मार्च 2020 को हमारे गोडाउन में 5,000 मोबाइल रखे हुए थे, इस डेट को, इसी स्टॉक को हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही हमने फिर से अकाउंट स्टार्ट किए, कब अकाउंट स्टार्ट किए, 1 अप्रैल 2020, ये पीछे वाला क्लोजिंग स्टॉक अब इस वाली तारीख को क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इसी तरह से मान लो अभी हम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमारा पूरा बिजनेस करते हैं, साल के दौरान ऐसा भी होगा कि आप और मोबाइल खरीदोगे, गोडाउन में कुछ और मोबाइल्स भी आएंगे, पूरा साल बिजनेस करते करते आपने क्या देखा कि साल के स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5,000 मोबाइल्स का था। अब साल में आपने 5,000 मोबाइल और भी खरीदे होंगे, कुछ बेचे भी होंगे, तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगता है कि 31 मार्च 2021 को आपके गोडाउन में मान लो अभी भी 2,000 मोबाइल, 2,000 मोबाइल आपके पास अभी भी रखे हैं गोडाउन में, जो अभी तक बिके नहीं है। आप उसको क्यों लेकर आए थे, बेचने के लिए लेकर आए थे, पर बिके नहीं है अब तक, गोडाउन में रखे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का क्या फंडा है, जो स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड के फर्स्ट डे हमारे पास गोडाउन में होता है दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग स्टॉक, और जो स्टॉक हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट पे होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक के अंदर वो स्टॉक इंक्लूड, वो बात हमने लिखकर चली है जो प्रोडक्ट हम दोबारा सेल करने के लिए लाए थे। मोबाइल लाया मैंने, कुछ अपना एडिशन ही किया, मोबाइल लाया और बेचा, बस मेरा इतना सा काम था, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक का टॉपिक, उसको हमने रिसेलिंग का टॉपिक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आप समझ चुके होंगे, साल के पहले दिन का स्टॉक ओपनिंग, और साल के आखिरी दिन का जो हमारे पास गोडाउन में पड़ा रहता है दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक। अब बात आती है इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री का जो टॉपिक है ना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक से इसका टॉपिक काफी वास्ट है क्योंकि स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड हो जाता है, इसी के अंदर ही आ जाएगा, अभी स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपका काम मोबाइल वगैरह बनाना है, आप क्या करते हो, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर आप क्या करते हो, मोबाइल बनाते हो, साल में क्या होता होगा, बाहर से कुछ कच्चा माल आता होगा, रॉ मटेरियल, फिर वो बनता होगा, वर्क इन प्रोग्रेस रहता होगा, जब वो बन रहा है बन रहा है बन रहा है, अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, फिर वो बनकर तैयार भी हो जाता होगा, कच्चा माल प्रोसेसिंग में है, फिर बनकर रेडी हो गया। कुछ मोबाइल, मान लो आपका मोबाइल का बिजनेस है, और मान लो कुछ मोबाइल ऐसे भी होते होंगे जो आप सिर्फ खरीदते होगे, कुछ भी आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने पड़ता उसके रिगार्डिंग, उसमें कुछ भी आप एडिशन नहीं करते हो, आप मोबाइल नए खरीद के लाते हो और नए बेच देते हो, मान लो वो मोबाइल भी आपके पास पड़े रहते हैं, वो मान लो आपके पास 5,000 मोबाइल वो भी पड़े रहते हैं, फ्रेश मोबाइल लाते हो, इस मोबाइल को आप रीसेल करने के लिए लाते हो, तो इन्वेंट्री के टॉपिक के अंदर क्या हुआ, इन्वेंट्री का टॉपिक, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, मोबाइल का काम है, तो आपके पास जब आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता होगा, आपको अपने अकाउंट्स बंद करने हैं, कौन सी डेट को, 31 मार्च को,
गोडाउन में हो सकता है, आपके पास फैक्ट्री के अंदर ऐसा हो सकता है कि तीनों प्रकार का, चारों प्रकार का स्टॉक आपके पास पड़ा रहता हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ तो हो सकता है कि आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा रहे, कच्चा माल, बिल्कुल आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए असेसरीज लाए थे, उसको असेंबल करके आपने मोबाइल बनाना था, पर अभी तक वो बन नहीं पाया, दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। गोडाउन में आपके पास रॉ मटेरियल भी पड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपने बस मोबाइल अभी बनाने के लिए, तैयार करने के लिए स्टार्ट किया ही था कि अभी आधा बना था और आधा नहीं बना था। मतलब उस प्रकार का अगर हमारे पास माल पड़ा हुआ है, गुड्स पड़ी है उस प्रकार की, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिर साल के लास्ट में अगर आपके पास मोबाइल बिल्कुल मैन्युफैक्चरर होकर, तैयार होकर, रेडी हो चुके हैं बिकने के लिए, तैयार हैं, तो उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिर तीसरा, चौथे प्रकार का जो हमको इन्वेंट्री लेकर चलना है, दैट इज द स्टॉक इन द ट्रेड। ये वो स्टॉक है जो आपने मैन्युफैक्चरर नहीं किया है, ये वो स्टॉक है जिसको आप सिर्फ खरीद के लाए हो और आपका टारगेट क्या था कि इसको आपको डायरेक्टली मार्केट में सेल करना है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्वेंट्री का टॉपिक स्टॉक के टॉपिक से हैवी है, स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये वीडियो आप एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा तो आपको स्टॉक और इन्वेंट्री में, दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रॉ मटेरियल आपका ओपनिंग में भी हो सकता है, क्लोजिंग में भी हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस आपका ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। फिनिश गुड्स आपका ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था और जो मैं आपको फिर से यहां पर भी रिपीट कर रहा हूं। आई होप आपको ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो यहां तक का टॉपिक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।